इधर देखना मैम, मैम यहाँ पर ये टावर है, यहाँ पर ए मनोज क्लेम है। हम यू राइट मैम, मैम अरे चिल्ला मत ना इसे, हम तो गिरेगा यहाँ पर On your right. Done. Thank you. Here is water. Sir, wait. I look. You are standing. 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 You are I'm so glad I could be a part of this event because I've always been a feminist. I don't even remember for how long, and I didn't know about this before this event happened, and I'm so glad I could just be a part of it because they are supporting women, they are inspiring women, they are acknowledging women, and that's a big part of this industry because women do not get as much credit as they require, as they deserve. If we talk about your projects, what are the many more new surprises which you are going to give to the? Currently I'm doing Imli, I'm playing Chini, Chini's character, and right now I'm very packed up with that, so I am trying to just adjust more work with it because right now it's all Imli. Well, everyone knows that Imli is the one of the trending show on Starplus. So, what are the many more, the more exciting part are we going to see in Imli? If you share something about it. We are really blessed because Imli is loved by the audience, even the negative character that I am playing. I am getting so much appreciation for it, so we are very glad for that. And aage to bahut kuch milne wala hai because abhi Chini ki story sirf start hui hai. So Imli aur Chini ka tashan, Chini ke aur plans because abhi uski shaadi hone ja rahi hai. So it's going to be full power packed. होली इज़ फुल ऑफ शैतानिया, सो वी वॉन्ट मिस दैट. तो होली का तो सबको देखने को मिलेगा ही, हमारे इमली में भी और रियल लाइफ में. मैं आपको मिलूंगी कहीं पे होली खेलती हुई ज़रूर. थैंक यू फॉर लविंग एंड अप्रिशिएटिंग द कैरेक्टर एंड आर शो एंड कॉन्स्टेंटली मोटिवेटिंग अस टू डू बेटर. जस्ट कीप वॉचिंग. थैंक यू सो मच. उसका कैमरा था है, मैं कहाँ जाऊँगा? इसका भी आ रहा है. राइट में राइट, फुल राइट. ले अंशी तेरी लिए बोलूँ क्या? उधर फुल रहा मेरे को. राइट में मैम राइट. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सेंटर देखिए उसको राइट. चल भाई हो गया? नहीं नहीं वेट वेट वेट. हाँ हाँ हमारी रोलिंग. See, this is the first time ever I'm attending this event, and the name says it all, Aspiring She. It's a powerful title, you know, Aspiring and She. There's nothing powerful as women on this earth, I feel. And I'm really looking forward to, you know, meet people from different field whose work will be acknowledged today. So I'm really excited to be the part of this Aspiring She. हाँ इमली में आई एम
fortunate enough to you know join the this epic show and काफ़ी लोग सराहना तो कर ही रहे हैं काम की बट मैं अभी और मेरे लिए और भी एक टीम है क्योंकि अभी जो इमली में मेरा कैरेक्टर है ठीक से एक्सप्लोर नहीं हुआ है तो अब लेयर्स खुलने वाले हैं इमली में तो आई होप कि ऑडियंस को और भी अच्छा लगेगा तो देखते रहिए हमारा शो इमली तारक मेहता में वैसे बहुत सारे जो एस्टेब्लिश कैरेक्टर्स थे चेंज हुए बार बार चेंज हुए लेकिन फिर भी शो को इफेक्ट नहीं हुआ आज तक क्योंकि आई थिंक उसकी स्टोरी ही हीरो है तो मुझे नहीं लगता कि चाहे टप्पू आए ज़्यादा या मिस्टर मेहता आए चेंज हो काफ़ी बार डॉक्टर हाथी चेंज हुए हैं लेकिन शो को कोई फ़र्क नहीं पड़ा दया जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था उनके जाने से भी शो को फ़र्क नहीं पड़ा शो इतने साल उसके बाद भी चला तो आई थिंक स्टोरी इज़ मेन हीरो एंड एक्टर्स आर जस्टिफाइंग द कैरेक्टर्स आई फील बट इट इज़ गुड दैट पीपल एक्सेप्टिंग न्यू कैरेक्टर्स ऑल्सो बिकॉज नहीं तो एक्टर के लिए बहुत टफ हो जाता है यू नो ऑडियंस से कनेक्ट करना अदरवाइज तो फिर यही होता है कि यू नो लोग एक वो जिंक्स मान लेते हैं कि अरे ये कैरेक्टर ये नहीं खींच पाएगा शो या ये कैरेक्टर तो इट्स गुड क्योंकि ये लॉयल्टी है तारक मेहता के ऑडियंस की शो से सॉरी एज अ सरप्राइज तो अभी बहुत दूर है वो बिकॉज आई एम ऑल्सो नाउ इन टू प्रोड्यूसिंग सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आई एम कंसिडरिंग बट एवरीथिंग इज इन पाइपलाइन बट या एज एन एक्टर यू विल सी मी मोर बिकॉज आई एम डूइंग इमली और फिलहाल वो शो टॉप टू टॉप थ्री पे चल रहा है तो फिलहाल तो आप मुझे इमली में ही देखेंगे बट अदरवाइज टेक्निकल टर्म्स पे आई एम कंसिडरिंग लॉट ऑफ थिंग्स विच यू विल कम टू नो इन योर फ्यूचर इमली में भी बहुत सारे ड्रामा ट्विस्ट एंड टर्न्स है और आई एम श्योर होली के लिए भी हमारे मेकर्स ने कुछ सोच के रखा होगा बहुत बड़ा कुछ इमली में भी होने वाला है होली में तो लेकिन वो मुझे भी नहीं पता है मैं अभी फिलहाल बता भी नहीं सकती उसके बारे में बट देखते रहिए और एज अ पर्सनल यू नो इन लाइफ मैं होली बहुत साल पहले खेलना छोड़ चुकी हूँ एक छोटा मोटा सा घर पर बस दोस्त आ गए और चुटकी भर होली खेल ली हो गया Thank you. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you. Bye. And the best.